हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शुगर का स्क्रब कैसा है, क्या रिजल्ट है। आई डोंट नो, मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैं आप लोगों के सामने यूज़ करूँगी और बताऊँगी कि कैसा रिजल्ट है, कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे क्या है इसके अंदर सारी चीज़ें। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों से मिस ना हो। तो अभी मैं दोबारा से गाँव शिफ्ट हो रही हूँ और मेरे गाँव पर जितने भी कस्टमर हैं सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आइए और सेवा का मौका दीजिए। अभी मैंने और भी अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और आप लोगों को पता ही है 10 से 12 साल से मैं ये काम कर रही हूँ, तो एक्सपीरियंस भी कुछ मायने रखता है। तो आप लोग आइए और फिर मुझे सेवा का मौका दीजिए एंड फिर से पार्लर का सेटअप जो है वो और भी बड़ा और भी खूबसूरत कर रही हूँ, तो आप आके ज़रूर देखिए एक बार और ज़रूर मिलिए मुझसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुगर का स्क्रब कैसा है, कैसे करना है यूज, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक। सेकंड चैनल पे मेरी ब्लॉग वीडियो डेली अपडेट वीडियोस चाहते रह रही हैं तो सेकंड चैनल पे जरूर जाइए। प्रीति तिवारी 2 सेकंड चैनल का नेम है, इंस्टा आईडी प्रीति तिवारी 24 है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरी वीडियोज़ देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ गुलाब जल, यह है B1 का गुलाब जल। इसको मैं पहले पूर्व भी इस तरीके से स्प्रे कर लूँगी, पूरा अच्छे से फेस को गीला कर लिया है। अब लूँगी मैं ये वाला स्क्रब। इतना स्क्रब मैंने ले लिया है, ये बहुत ज़्यादा दानेदार है तो अच्छा क्लीन करेगा आपके फेस को। बाकी लगाने के बाद इसका रिजल्ट बताती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैं तो इस तरीके से लगा लिया है। अगर आप चाहते हो कि आपका स्क्रब जो है वो अच्छा रिजल्ट दे, आपके स्किन को डीप क्लीन करे, ब्लैक हेड्स को रिमूव करे, तो आप कोई भी स्क्रब यूज कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ऐड कीजिए ग्लिसरीन, कोई भी कंपनी का ग्लिसरीन चलेगा। तो मैं इतना सा ग्लिसरीन ले रही हूँ यहाँ पे हाथों पर। इससे क्या होगा, ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है और पिम्पल वाली स्किन के लिए वरदान से कम नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। और स्क्रब करने के लिए कभी भी इस चीज हथेलियों का यूज़ नहीं करना है, आपको हमेशा फिंगर टिप से करना है, स्पेशली जब आपका स्क्रब बहुत ज़्यादा दानेदार हो, क्योंकि कई बार स्क्रब हार्ड होने की वजह से हमारा स्किन छिल जाता है। ये इसमें भी बहुत ज़्यादा दाने हैं, बट जो एवरी यूज आते हैं और सारे स्क्रब आते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं वैसा नहीं है, बट है इसमें भी, तो ये अच्छा है। इस तरीके से आप कर सकते हो शुगर का स्क्रब, मुझे तो ठीक लगा। बाकी इसका रिजल्ट क्या है वो एंड में बताऊंगी। तो इस तरीके से आपको मसाज करना है पूरे फेस पे, फोरहेड पे आप इस तरीके से कर सकते हो, बट इस तरीके से कस्टमर पे इजी होता है, बट खुद का कर रहे हो तो इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट में इस तरीके से मसाज करना है। आईज के नीचे नोज पे थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि नोज पे क्या होता है हमारे ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा आते हैं और जल्दी यहाँ पे ब्लैक होने लग जाता है। तो आपको यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर लोगों के होते रहते हैं ब्लैक हेड्स, तो आप इस तरीके से नोज पे ज़्यादा क्लीन कीजिए। और जहाँ पे भी आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, नोज पे अक्सर आते हैं लोगों को, कई लोगों को यहाँ पे भी आता है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्लीन करोगे। कम से कम आपको स्क्रब करते टाइम 10 मिनट का टाइम देना है, जिससे कि आपका फेस अच्छे से क्लीन हो पाए और सारे डर्ट गंदगी ब्लैक हेड्स वगैरह अच्छे से रिमूव हो पाए। तो इसी तरीके से आपको मसाज करते जाना है। फेशियल मसाज की वीडियो भी पूरा स्टेप बाय स्टेप अपलोड हो गई है कस्टमर पे, और आज मैंने अपलोड की थी आईब्रो थ्रेडिंग। बहुत ज़्यादा घनी आईब्रो है तो और हार्ड है हेयर, तो आपको किस तरीके से आईब्रो बनाना है पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो आप जाके देख जरूर लीजिएगा। और फेशियल करते टाइम कितना भी बढ़िया फेशियल हो, लोग ग्लो क्यों नहीं आता है, इस पर भी एक डिटेल वीडियो जा चुकी है, तो जाके जरूर देखिएगा। अभी मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है जिसकी वजह से मैं हिंदी में टाइटल नहीं डाल पा रही, उसमें हिंदी का ऑप्शन ही नहीं आ पा रहा है, तो इंग्लिश में ही डाल रही हूँ, आप देखिएगा ज़रूर। जैसे फिर हिंदी टाइपिंग आती है क ख ग वाली, वो वाला नहीं हो पा रहा, बाकी तो हिंदी में ही लिखती हूँ मैं। शुगर का जो स्क्रब है अच्छा है, ऑल स्किन टाइप है तो आप ले सकते हो। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस है इसकी प्राइस तो मुझे दिख नहीं रहा इस पर,
प्राइस इस पे मेंशन नहीं किया हुआ है, ऑनलाइन आप चेक कर लेना शुगर का। हाँ 399 यानी कि 400 रुपये का है, यहाँ लिखा हुआ है 399 का है, ये क्लीन नहीं दिख रहा है बट 400 रुपये का है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको 10 मिनट मसाज करना। अच्छा है ये स्क्रब, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अभी एक ही यूज में मुझे काफ़ी क्लीन फील हो रहा है और बहुत सॉफ्ट लग रहा है। आई थिंक आपको भी सूट करेगा, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी कोई भी स्क्रब यूज करते टाइम आपको ऐसे ही यूज करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और बीच बीच में आप गुलाब जल का क्रीम लगा सकते हो। स्प्रे नहीं है, गुलाब जल नहीं है, तो आप पानी भी यूज कर सकते हो, बट बीच बीच में जरूर लो। उससे क्या होता है कि अच्छे से फेस क्लीन होता है और ग्लो भी अच्छा आता है। मसाज कर रहे हो, स्क्रब कर रहे हो, क्लिनजिंग मिल्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट बीच बीच में पानी या गुलाब जल ऐड करते रहो। और कोई भी फेशियल करते हो तो आप कस्टमर को बोलो कि कम से कम उनको 24 घंटे टाइम देना है, फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना, बस गुलाब जल छोड़ के, गुलाब जल के अलावा कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। कम से कम 24 घंटे का टाइम चाहिए प्रोडक्ट को अपना वर्क दिखाने में। जितना केयर आप अपने फेस का करते हो उतना ही हमको अपने गर्दन का भी करना होता है, क्योंकि हमारे फेस के साथ साथ हमारा गर्दन भी हमेशा धूल धूप मिट्टी के संपर्क में आते रहता है। तो जो प्रोडक्ट आप फेस पे यूज कर रहे हो सारी चीजें आपको गर्दन पे भी करनी है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बताया है स्क्रब के बारे में। कई लोगों के यहाँ पे बहुत ब्लैक होता है, इसका कारण सिर्फ यही है कि आप अपना फेस तो अच्छे से क्लीन करते हो बट गर्दन पे ध्यान नहीं देते हो। तो आपको अपने फेस के साथ साथ गर्दन का भी पूरे अच्छे से ख्याल रखना है। तो इसको 10 मिनट मसाज करने के बाद मैं इसको वॉश करके आती हूँ और फिर बताती हूँ कि कैसा फील हो रहा है। तो गाइज मैं यहाँ पे फेस वॉश करके आ रही हूँ एंड कैमरे में पता नहीं फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं देखा, बट बहुत ही अच्छे से क्लीन हुआ है, बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा रिजल्ट है, बहुत फ्रेश फील हो रहा है। और जितना भी डर्ट धूप धूल वगैरह है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन होंगी। नोज के आसपास मेरे ब्लैक ब्लैक था वो भी पूरा अच्छे से साफ हो चुका है और काफ़ी अच्छा मतलब फील हो रहा है मुझे। तो आप इसको ले सकते हो अगर चाहते हो ग्लो सॉरी शुगर का स्क्रब लेने के लिए, तो आप इसको ले सकते हो। एंड अदरवाइज कोई भी स्क्रब आप यूज़ कर रहे हो तो आप कर सकते हो, ऐसे ही क्लीन करना है आपको, बट मुझे शुगर का स्क्रब जो है काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो आज का रिव्यू जो था कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आई होप की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज एंड रिव्यूज़ देखते रहिए मेरे चैनल पे, आपको डेली अपडेट मिलती रहती है ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड, कोई न्यू प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।